हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ द न्यूट्रिशन बेसिक सीरीज। सो गाइस, इस सीरीज में मैं आपको वो सारे टूल्स देने वाला हूँ जिन्हें यूज करके आप खुद के लिए एक परफेक्ट डाइट प्लान रेडी कर सकते हैं। एंड इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एनर्जी बैलेंस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज आगे भी फ्यूचर में आपके लिए आती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं न्यूट्रिशन पे ये सीरीज क्यों बना रहा हूँ। सो गाइज, जो भी आपका फिटनेस गोल है, चाहे मसल बिल्डिंग चाहे फैट लॉस, उसमें न्यूट्रिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, अगर आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग नहीं खा रहे, चाहे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। सो गाइज, मुझे बहुत सारे लोग रोज मैसेज करते हैं कि हमें वेट लॉस के लिए कोई डाइट प्लान भेज दो, हमें वेट गेन के लिए डाइट बता दो। तो गाइज, डाइट प्लान हर एक बंदे के लिए डिफरेंट होता है, बिकॉज हर एक बंदे की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं, जो कि डिपेंड करती हैं उनकी एज पे, उनके वेट पे, उनका एक्टिविटी लेवल क्या है, बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है। सो इस सीरीज के पीछे मेरा मेन मकसद यही है कि मैं आप लोगों को ये बेसिक समझा सकूं, ताकि आप खुद के लिए अपना डाइट प्लान रेडी कर सकें। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज ए कैलोरी। सो कैलोरी होती क्या है? कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। सो दिन भर में हम जो भी फूड खाते हैं, दैट हैज कैलोरीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने एप्पल खाया, दैट हैज कैलोरीज। आपने चॉकलेट बार खाई, दैट हैज कैलोरीज। चिकन हैज कैलोरीज। सो हर एक फूड में कैलोरीज होती हैं, एंड एवरी पर्सन नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज टू मेंटेन देयर वेट, एंड उन कैलोरीज को हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेंटेनेंस कैलोरीज हर एक बंदे की डिफरेंट होती हैं, एंड किस तरह से आप अपनी खुद की मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। सो चलिए अब दोबारा एनर्जी बैलेंस की ओर आते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मुझे अपना बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए 2000 कैलोरीज एवरीडे चाहिए, मतलब 2000 इज माय मेंटेनेंस कैलोरीज। सो अगर मैं एवरीडे 2000 कैलोरीज खाऊंगा तो ना ही मेरा वेट कम होगा और ना ही मेरा वेट गेन होगा। सो अब अगर मुझे वेट गेन करना है तो मुझे अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से ज्यादा कैलोरीज खानी होगी, जिसे कि हम कहते हैं कैलोरिक सरप्लस। सो कैलोरी सरप्लस क्या है? ईटिंग मोर देन योर मेंटेनेंस कैलोरीज। ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरा गोल है वेट लॉस करना, तो मुझे 2000 कैलोरी से कम कैलोरीज खानी होगी, जिसे कि कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट, जो कि आपने मुझे बहुत बार कहते हुए सुना होगा। चलिए गाइज, अब हम एनर्जी बैलेंस को इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो दीज आर योर कैलोरीज इन एंड दीज आर योर कैलोरीज आउट। सो कैलोरीज इन आर बेसिकली द कैलोरीज यू कंज्यूम फ्रॉम फूड, एंड कैलोरीज आउट हैं जो चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब इन चारों के बारे में मैंने अपनी मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बट स्टिल मैं एक बार इन्हें यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो पहले नंबर पे आता है आपका BMR, जो कि होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। सो BMR होता है बेसिकली वो कैलोरीज जो आपकी बॉडी बर्न करती है जब आपकी बॉडी रेस्ट पे होती है, लाइक वेन यू आर स्लीपिंग। सो आपकी बॉडी फंक्शनिंग में, आपकी ऑर्गन फंक्शनिंग में जो कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न करती है, उसे कहते हैं BMR। अब गाइज, BMR के बाद आ गया आपका EA, विच इज एक्सरसाइज एक्टिविटी। सो जो भी कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न करती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऑल दोज कैलोरीज गोज इन टू EA। तीसरे नंबर पर आ गया NEAT, जिसका मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। सो दिन भर के कामों में जो भी कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न करती हैं, वो सब नीट में जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर की सफाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो इन टास्क्स में जो भी कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न करती हैं, ऑल दोज कैलोरीज गोज इनटू नीट। चौथे नंबर पे है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। सो जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है। सो उस ब्रेक डाउन के टाइम जो भी कैलोरीज हमारी बॉडी बर्न करती है, ऑल दोज कैलोरीज गोज इनटू TEF। एंड प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। गाइज, व्हेन कैलोरीज इन इज इक्वल टू कैलोरीज आउट, देन वेट होगा आपका मेंटेन, ना वेट कम होगा और ना वेट बढ़ेगा। बट जब कैलोरीज इन आर लेस एंड कैलोरीज आउट आर मोर, देन वहां होगा वेट लॉस।
एंड थर्ड केस में जब कैलोरीज इन आर मोर एंड कैलोरीज आउट आर लेस, वहां होगा वेट गेन। अब गाइज वेट लॉस के लिए लोग तरह तरह की डाइट्स यूज करते हैं लाइक कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग। सो इनमें लोगों का वेट लॉस कैसे होता है? बाय पुटिंग देम इन ए कैलोरिक डेफिसिट। सो आप जो मर्जी डाइट फॉलो कर लीजिए, एनर्जी बैलेंस ही वहाँ वर्क करता है। इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड। जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आप उससे कम खाइए तो आपका वेट लूज होगा। अगर आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट गेन होगा। अब गाइज कई लोग कहते हैं कि हम सारा दिन हेल्दी खाते हैं फिर भी हमारा वेट लूज नहीं होता। सो आप सारा दिन हेल्दी खा के भी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खा सकते हैं। अगर आपका सारा दिन हेल्दी फूड खा के भी वेट लूज नहीं हो रहा, इट मीन्स यू आर नॉट इन ए कैलोरिक डेफिसिट। ऑन दी अदर हैंड, आप हर रोज एक चॉकलेट बार खा के भी कैलोरिक डेफिसिट में रह के वेट लूज कर सकते हैं। सो कहने का मतलब मेरा ये है, इट्स नॉट अबाउट ईटिंग हेल्दी और अनहेल्दी, इट्स मोर अबाउट द कैलोरीज यू ईट। वेट कम करने के लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना होगा एंड वेट गेन करने के लिए आपको कैलोरिक सरप्लस में रहना होगा। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट एनर्जी बैलेंस। आई होप गाइज कि आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली एंड आपको एनर्जी बैलेंस के बारे में हर एक चीज़ अच्छी तरह समझ लग गई होगी। सो इस सीरीज़ का जो एपिसोड 2 होने वाला है वो होने वाला है हाउ टू फाइंड योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप, कमेंट डाउन योर क्वेश्चंस बिलो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, माई यूज़र नेम इज़ अभिनव फिट लाइफ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।